नमस्कार, मैं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। दोस्तों, खुद गई मुंबई, थम गई मुंबई में आप सभी लोगों का स्वागत है। सड़कों का मुआयना, सड़कों की हकीकत, क्या आपने कभी सड़क पर किसी को मौत की सजा सुनाते सुना है क्या, देखा है क्या? आपने किसी को मौत की सजा सड़क पर मिलते हुए देखा है क्या? नहीं देखा है तो हम आपको आज मुंबई की ट्रैफिक के बीच, मुंबई के सड़क के बीच आपको मौत की सजा सुनाते हुए, मौत की सजा पाते हुए और मौत के चश्मदीद गवाह को सीधे आपको हम दिखाते हैं। आज देखिए, जरा देखिए, मौत की अदालत, मौत का फैसला, मौत का फरमान और मौत के चश्मदीद गवाह। सजा किसको मिलती है, सजा कौन सुनाता है और चश्मदीद गवाह कौन है? मेट्रो मुंबई की इस स्पेशल रिपोर्ट में खुद गई मुंबई, थम गई मुंबई। बहुत ढूंढ कर लाए हैं हम ये रिपोर्ट। आप देखेंगे तो वाकई में बोलेंगे कि सजाए मौत सड़क पर होता कैसे है। लेकिन इसके पहले, हम रिपोर्ट दिखाने के पहले, हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राहुल शुक्ला से हम एक वहां का सीधा तस्वीर आपको दिखाते हैं। कहां पर है वो, वहां के क्या हालात हैं? देखिए, इनके पीछे पीछे की ट्रैफिक आपको दिख रही होगी, बिल्कुल खड़ी, जैसे लग रहा है कि गाड़ियों को पार्किंग किया गया है। ये गाड़ियों की पार्किंग है, ये सड़कों पर चलते हुए वाहन नहीं है साहब, ये गाड़ियों की पार्किंग की गई है। पार्किंग की इतनी अच्छी व्यवस्था मुंबई महानगर पालिका द्वारा कहीं की नहीं जाएगी। हमारे ट्रैफिक विभाग, ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऐसी व्यवस्था कभी नहीं की गई होगी। ये प्रशासन की कितनी चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था है पार्किंग की व्यवस्था सड़कों पर। मुंबई में लोगों की पार्किंग की जगह नहीं मिलती है। तो साहब, इनके राहुल के पीछे की तस्वीर आप देखिए, कैसे वहाँ पर गाड़ियाँ पार्किंग जैसी खड़ी हैं। राहुल जी बताइए, आप कहाँ पे हैं और क्या है नज़ारा? ठीक, हम देख तो रहे हैं, जनता भी देख रही है, दर्शक भी देख रहे हैं, थोड़ा बताइए। जी सर, इस वक्त हम जेबी मार्ग एल्फिस्टन रोड के पास है और यहाँ की ट्रैफिक एक भयंकर परिस्थिति में है। जो की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी, जो टू व्हीलर व्हीकल्स हो या फोर व्हीलर व्हीकल्स हो, यहाँ पे घंटों लाइन लगाकर इस पूरे ब्रिज को जाम हुए परिस्थिति में दिख रही है। और इस हालात में अगर हम देखें तो जनता जो है कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर भी आप तस्वीरें देखेंगे कि किस तरीके से वो घंटों ट्रैफिक में फंसी हुई है। आप यहाँ पे मेरे सामने देख रहे होंगे कि किस तरीके से दो पहिए जो वाहन है वो कहीं ना कहीं आप कोशिश करके अपनी गली निकाल के चले जाते हैं, लेकिन आज इनकी परिस्थिति देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैफिक जाम समस्या में आज ये भी फंस चुके हैं। फोर व्हीलर की तो आप बात ही छोड़िए, क्योंकि इनकी परिस्थिति कहीं ना कहीं डगमगाती नजर आ रही है। तो ये ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वो लगातार हम अपने चैनलों पे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं देती है, जिसकी वजह से लगातार दुर्घटनाएं, हादसाएं ये राहुल जी बढ़ती जा रही है। राहुल जी, ये मुंबई की सड़कों पर एक गाड़ियों को दौड़ाने के लिए सड़कें बनाई गई हैं कि गाड़ियों को पार्किंग करने के लिए बनाई गई हैं? नजारा तो कुछ ऐसा ही बता रहा है। जी जी, जिस तरीके से हम नजारे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को कि आप देखिए कि किस तरीके से आम आदमी ट्रैफिक जाम में फंस जाती है और वो कहीं ना कहीं रोड पे ही उन्हें पार्किंग करना पड़ता है। रोड पे ही वो गाड़ी पार्किंग करके कई दुकानों में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, फिर गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस हालात में मुंबई शहर में जो ट्रैफिक की परिस्थिति हमें देखने को मिलती है,
अभी कल का ही हमने आपने वीडियो भी दिखाया था थाने के जो मंत्री एकनाथ शिंदे जी ने जो वहाँ के इंजीनियर थे कॉन्ट्रेक्टर थे उनको डांट फटकार रहे थे कि किस तरीके से आपने इंतजाम किया है, तो वो हम आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने यही इंतजाम किया है जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रेक्टर है और इंजीनियर है और मंत्री है उन्हें डांटते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं लापरवाही करती है। और राहुल शुक्ला की थोड़ा आवाज बढ़ाइए, बोले बोले। कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं और फिर जो है इसी परिस्थिति के अनुसार हमें देखने को मिलता है कि जो मंत्री है खाली वो लोगों अपने अपने लोगों पे ही दम दिखाते हैं लेकिन आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं पिसती नजर आती है। तो ये हालात कहीं ना कहीं मुंबई में दिखते नजर आते हैं और ये मुंबई की हालत नहीं है, मुंबई महानगर पालिका की नहीं, आप थाने महानगर पालिका देखिए, कल्याण महानगर पालिका देखिए, उल्लास अंबरनाथ महानगर पालिका, जो चारों महानगर पालिका है और यहाँ पे फंड की कोई कमी नहीं है। आप फंड देखेंगे यहाँ पे हजार करोड़ों के गुना इतना फंड दिया जाता है बीएमसी को दिया जाता है, जहाँ की एक राज्य सरकार का जितना बड़ा फंड होता है उतना बड़ा फंड एक महानगर पालिका का होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम इस हालात में रोड की सड़कों की परिस्थिति देखते हैं जहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, खड्डे होते हैं, एक्सीडेंट होती है और एम्बुलेंस के दौरान में जब कोई पीड़ित होता है उसे अस्पताल जाना पड़ता है तो कहीं ना कहीं इस रास्ते में ही दम तोड़ देता है लेकिन वह अस्पताल नहीं पहुंच पाता है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही नजर आती है। जी जी राव जी हमारे पास एक मैसेज है प्रदीप कोटियन का, उन्होंने कहा कि जाम जो है ये ट्रैफिक का जो जाम है वह हमारे सरकार हमारे राज्य और हमारे मनपा और हमारे प्रशासन के भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। मुंबई की ट्रैफिक में जिंदगी लोगों की खत्म हो जाती है, लोग मुंबई की ट्रैफिक में वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण जिंदगी का आधा समय मुंबई के ट्रैफिक में सड़कों पर चलते हुए वाहनों के बीच उनको दम घुटते घुटते उनका गुजर जाता है। हमारे साथ इसमें हर्ष नगर सेठ जी हैं, हर्ष नगर सेठ जिसमें गोरेगांव फ्लाई ओवर से जुड़े हुए हैं, गोरेगांव के फ्लाई ओवर से आम दर्शक आम जनता के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सीधा फोन हमारी टीम को आया और उन्होंने जोड़ा। हर्ष नगर सेठ जी, हर्ष जी हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर आ रही है। हर्ष जी थोड़ा आप कुछ वीडियो भी दिखा रहे हैं, अपना चेहरा भी दिखाइए, बताइए क्या आप दिखाना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं मुंबई के लोगों को? सर यहाँ पे मैं रोज ट्रैवल करता हूँ, मेरा जॉब है तो मैं गोरेगांव वेस्ट से मेरे को ओबराय पहुंचने में कम से कम 40 मिनट लगता है सर। गोरेगांव वेस्ट से ओबराय टावर मतलब गोरेगांव वेस्ट से ईस्ट में आने में हर्ष जी को कितना 40 से 45 मिनट लगता है, 40 से 45 मिनट लगता है। सोचिए कोई अपनी ड्यूटी अपनी नौकरी अपना काम कैसे करेगा। हर्ष जी बताइए और वहाँ पे सड़कों पर क्या स्थिति दिखाई दे रही है, गाड़ियाँ बड़ी रफ्तार से चल रही है? सर गाड़ियाँ पैक एकदम जाने की जगह ही नहीं है सर, वो एक्टिवा और बाइक फुटपाथ से चलती है, फुटपाथ के ऊपर जिधर से पब्लिक चलती है वहाँ से वो लोग एक्टिवा बाइक वाले निकलते हैं जी। मेरे जगह ही ये देखिए आप पूरा अटका हुआ है देखिए, मतलब आप इस समय सड़क पे हैं बाइक पे हैं और बाइक को किनारे करके आप बात करें मुझसे? हाँ जी सर। देखिए एक भुक्तभोगी ट्रैफिक की समस्या से जिन्होंने ट्रैफिक की समस्या झेली है झेल रहे हैं उन्होंने अपनी गाड़ी को किनारे पर खड़ा करके आज हमारे इस मेट्रो मुंबई के खुद गई मुंबई थम गई मुंबई के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी समस्या यह है कि 40 मिनट से 45 मिनट लगता है उनको गोरेगांव वेस्ट से ईस्ट में ओबराय टाव ओबराय मॉल के पास आने में। सोचिए कोई किसी को आदमी को अगर गोरेगांव से चर्च गेट जाना हो, गोरेगांव से चेंबूर जाना हो, जोरेगांव से कुर्ला जाना हो तो कितना समय लग सकता है? क्या मुंबई की यही रफ्तार है, क्या मुंबई की यही गति है? आखिर इसके लिए इसके पीछे हर जी आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सर अभी जिम्मेदारी तो सर मतलब यहाँ कोई कायदा कानून जैसा है ही नहीं, ना कुछ कोई करवाता है। नहीं आप तो ट्रैफिक के पुलिस वाले मिलते होंगे वो बगल में खड़े रहेंगे, आपने सिग्नल तोड़ा आपको पावती काटेंगे पेनल्टी लगाएंगे, आपको बीएमसी के गार्ड भी मिलेंगे, आपने मास्क नीचे लगा पेनल्टी लगा देंगे, फोटो खींचेंगे, कैसे बोलेंगे कि नियम कानून नहीं है? साहब नियम कानून पेनल्टी लगाने के लिए तो बनाइए ना। वही ये सब जो मेन काम है ट्रैफिक, ये देखिए सर ट्रैफिक ये करवाने का काम नहीं करेंगे, बाकी आलतू फालतू काम करेंगे सब, ये देखिए आप ट्रैफिक देखिए सर जी, ये देखिए हर्ष के मोबाइल से सीधा लाइव आ रहा है हमारे पास। ये ट्रैफिक देखिए साहब, ये ट्रैफिक
चल रही है, रेंग रही है या दौड़ रही है या रफ्तार में। हमारे पास एक मैसेज, एक हमारे दर्शक उनका मैसेज आया कि आप गलत प्रकार गलत तरीके से दिखा रहे हैं मुंबई को। मुंबई बहुत तेज गति से दौड़ रही है, मुंबई में सब कुछ अच्छा चल रहा है। हम उनका भी मैसेज आपको सुना दे रहे हैं, इसलिए कि उनका नाम है गुलशन कुमार। गुलशन कुमार ने हमारे पास मैसेज भेजा है, लेकिन गुलशन कुमार जी को हमें वीडियो दिखाना चाहेंगे कि देखिए साहब, मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर किस तरीके से गाड़ी की रफ्तार है। क्या इतनी रफ्तार के लिए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे मतलब बहुत तेज गति का यह मार्ग है, जो 6-6 लेन का मार्ग है, यह मुंबई से अहमदाबाद का मार्ग है। यहाँ पर देखिए कि किस गति से गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी की रफ्तार दिखाएगी आपको कि हमारे मुंबई की रफ्तार क्या है और मुंबई के ट्रैफिक की समस्या कितनी है, मुंबई के सड़कों की हालत कितनी है। समस्या ये है कि जगह जगह पे मुंबई की सड़कों को खोद दिया गया है, वहाँ पे बैरियर लगा दिए जाते हैं, MMRDA का हो, BMC का हो, किसी का भी हो, लगा थोड़ा सा प्रोग्रेस इन वर्क लिख करके वहाँ पर एक बैरियर लगा दिया जाता है। सड़कें जहाँ पर है उस सड़क को आधा कर दिया जाता है, आधे में सड़क में अब धीरे धीरे एक लाइन से सारे वाहनों को पास होना पड़ता है। इसके चलते पीछे कम से कम 3-4 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है अमूमन मुंबई में रोज सुबह और शाम को देखने को मिलता है। शाम 7 बजे की तस्वीर है, हमारे साथ इस हमारे संवाददाता राजेश सोनी जुड़े हुए। राजेश जी बताइए, आप क्या दिखा रहे हैं आपके पीछे? हमारे साथ हमारे दर्शक स्वप्निल भी जुड़ेंगे, सबके साथ हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजेश सोनी बताइए कहाँ पे है और वहाँ कहाँ का दृश्य आप दिखा रहे हैं मुझे? सर मैं मलाड़ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे खड़ा हूँ सर, आप देख सकते हैं रोज की तरह आज भी यहाँ लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। देखिए आप पढ़ सकते हैं क्या है वो जो लिखा हुआ है, उनके अंग्रेजी का अक्षर या सी या चोटी आप सब पढ़ सकते हैं। अब ये देखिए वक्र तुंड करके बस आ रही है, आपको पढ़ने का मौका पूरा मिलेगा। हमारे स्क्रीन से देखिए पूरा साफ दिखाई दे रहा है, यह तेज रफ्तार में चलती हुई बस का आप दृश्य देख रहे हैं। बस कैसे चल रही है, ये दुपहिया वाहन अपने पैर को जमीन पर रास्ते पर जमा करके धीरे धीरे एक्सीलेटर दे करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक पूरा जाम है। ये मालाट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का सीधा दृश्य हमको राजेश सोनी ने दिखाया है। राजेश सोनी बताइए क्या ये ट्रैफिक किस वजह से जाम है? सर ये है थोड़ा जो मेट्रो का खुदाई का काम चल रहा है, मेरे कैमरामैन को दिखाऊंगा, देखिए सर मेट्रो का जो काम चल रहा है और दोनों साइड ट्रैफिक जाम है सर, दोनों साइड बोरेवली और आने वाले जाने वाले ए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, दोनों तरफ ट्रैफिक जाम है। जी बोलिए। सिर्फ मुश्किल से गाड़ी 10 या 20 के रफ्तार पे चल पा रही है सर, और लंबी कतार लगी हुई है बोरेवली के तरफ से, मलाड़ के तरफ से आने वाले चर्चगेट जाने वाले लोगों की गाड़ी मुश्किल से 10 की रफ्तार। हमें हमारे ऑफिस से यहाँ पहुंचने के लिए बाइक पर डबल सीट कम से कम 20 से 25 मिनट लग गए सर, यह हालत है ट्रैफिक की। तो आप सोचिए बाइक से जाने वाले लोगों को इतना समय लग रहा है, तो फोर व्हीलर ट्रक बस से सफर करने वालों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। बिल्कुल सही। मैं कुछ दृश्य आपको सर नीचे के रोड का भी दिखाना चाहूंगा, सर्विस रोड का, वहां भी सर ट्रैफिक की समस्या आप देख सकते हैं। ये नीचे है ब्रिज के नीचे का दृश्य है, वहां भी सर जाम लगा हुआ है। ये देखिए ये ब्रिज के नीचे से ये जाम आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरी तस्वीर आप देखिए, ये मुंबई की ट्रैफिक है, मुंबई की रफ्तार है, मुंबई की गति है, मुंबई में किस तरीके से लोग अपने घर से दफ्तर से घर कैसे और कितने समय में क्या क्या परेशानियां झेल करके पहुंचते हैं। ऐसा लगता है कि अगर वो ऑफिस से दफ्तर से घर पहुंच गए मतलब उन्होंने पूरी जंग जीत ली, एक लड़ाई जीत ली होगी, एक नई जिंदगी पाली होगी। मुंबई के लोग अपने दफ्तर के लिए जब निकलते हैं घर से तो 10 बार सोचते हैं कि कितना समय लगेगा पहुँचने में, और दफ्तर से जब छूटते हैं तो ये सोचते हैं कि कितना समय लगेगा घर पहुँचने में। इतने समय में दिल्ली से फ्लाइट मुंबई आ करके मुंबई से दिल्ली वापस चली जाएगी, तब तक लोग चर्च गेट से बोरीवली का सफ़र तय करते हैं मुंबई में इतना समय लग जाता है। हमारे साथ स्वप्निल महेंद्रकर जी जुड़े हुए हैं, MNS के मनसे के, जिन्होंने 500 गड्ढों की प्रदर्शनी ठाणे में लगाई है। इन्होंने
इतको इनको मुंबई के गड्ढे इतने अच्छे लगे कि उसकी प्रदर्शनी लगा दी इन्होंने कि आइए गड्ढे देखिए, इस गड्ढे की कीमत लगाइए, इस गड्ढे का अंदाजा लीजिए, एक गड्ढा कितना आकर्षक है, कितने मेहनत से गड्ढा बनाया गया है, कितने भ्रष्टाचार के बाद ये गड्ढा बना होगा और कितने लोगों का मेहनत और पसीना इसमें लगा होगा, तो जाकर के सड़क पर एक गड्ढा तैयार होता है साहब। और उस गड्ढे की प्रदर्शनी आज स्वप्निल महेंद्रकर ने लगाई है। स्वप्निल महेंद्रकर जी, क्या प्रदर्शनी के माध्यम से आप मुंबईकर को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? सर, प्रदर्शनी के माध्यम से आज आप देखोगे तो 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 500 करोड़ एक एक खट्टे 500 करोड़ का घोटाला हुआ है। 5 साल में 500 करोड़ रुपए खर्चे हुए रस्ते के ऊपर और फिर भी रस्ते के ऊपर खड्डे है जी। तो 500 करोड़ गया किधर जी? आज MSRDC रहो, MMRDA रहो, सब जन भ्रष्टाचार कर रहे हैं और खड्डे में लोग मर रहे हैं। गोड़बंदर रोड में 2 दिन पहले एक लड़के की मौत हो गई खड्डे के वजह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बोल रहे हैं। और ये प्रदर्शनी से सरकार को सबक सीखनी होगी, प्रशासन को सबक सीखनी होगी, MMRDA को सबक सीखना होगा, लेकिन अधिकारियों को अगर जरा सा भी समझ होगी और इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो शायद उन्होंने प्रदर्शनी का थोड़ा दृश्य दिखा दे रहे हैं हम आपको। ये उन्होंने प्रदर्शनी बाकायदा सजा करके स्मार्ट सिटी ठाणे खड्डे रहगाड़े। देखिए थोड़ा सा ये प्रदर्शनी ठाणे में स्वप्निल महेंद्रकर ने लगाई है और वहाँ पर लोग देखने के लिए पहुँचे। काफ़ी लोगों ने देखा कि किस तरीके से गड्ढे मुंबई की शोभा, ठाणे की शोभा, मुंबई के सड़कों की शोभा को बढ़ा रहे हैं, सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। ये आमची मुंबई, सुंदर मुंबई, स्वच्छ मुंबई का एक तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है इन गड्ढों के माध्यम से। स्वप्निल महेंद्रकर ने ये पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश की है। स्वप्निल महेंद्रकर जी, इसके लिए आप दोषी किसको मानेंगे? सर जी, आप अगर देखोगे ना तो ये जो अगर गड्ढे दिख, इसमें मेयर के घर के सामने के गड्ढे जी, मेयर देखिए उन्होंने दिखा भी है, महापौर गड्ढा, उसका नाम भी दे दिया उन्होंने, महापौर गड्ढा, आयुक्त गड्ढा, पालक गड्ढा, और पालक मंत्री जी है ना थाने के, उनके घर के बाहर कम से कम 200 खड्डे गिरे हुए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये हालत पालक मंत्री साहब के घर के बाहर का है तो बाकी नागरिक की हालत की क्या तस्वीर होगी जी? ये देखिए, ये एक एक तस्वीर बिल्कुल सीधा। एक मुंबईकरों को अब यहाँ पर जागने की जरूरत है। क्या मुंबईकरों से क्या अपील करेंगे आप साहब? मुंबईकर एक कितने दिन तक, कब तक ये झेलेंगे इन गड्ढों को, इन ट्रैफिक को, इन जाम को, कब तक झेलेंगे, कब तक मुंबई दौड़ेगी? आज जो परिस्थिति मुंबई में हुई है उसके लिए सबसे बड़ा कारण गड्ढे है और गड्ढे गिर रहे क्योंकि जो भी पालिका अधिकारी है और सत्ताधारी है उनकी ठेकेदारों से मिली जुली है और पैसे का लेवन देवन है, इसके लिए ये सब हो रहा है जी। तो ठाणे में जो आपने ठाणे में प्रदर्शनी लगाई है, ठाणे के आयुक्त हैं, ठाणे के महापौर हैं, ठाणे के पालक मंत्री हैं, उन सबकी तस्वीर आपने दिखाई, मुंबई से ठाणे हो या घोड़बंदर रोड हो, मुंबई की जो तस्वीर हो, मुंबई की जो ट्रैफिक है, वही हालत अमूमन ट्रैफ ठाणे में भी है। ये पूरा देखा जाए तो ठाणे, कल्याण, पालघर सब मिला के एक मुंबई का हिस्सा बना होता है। तो मुंबई को दौड़ाने के लिए क्या रास्ते कुछ बन सकते हैं अभी, या मुंबई ऐसे ही घुट घुट कर धीरे धीरे खिसकती रहेगी, रेंगती रहेगी? ते तो कभी कोई जो भी नेते लोग हैं उन्होंने उस पर ध्यान देके वो करना चाहिए तब हो, क्योंकि गड्ढे भरने के लिए 1 महीने भी नहीं जाएंगे, 10 दिन भी नहीं जाएंगे, पर वो काम वैसा होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए जी। गड्ढे भरने के लिए साहब 150 करोड़ का टेंडर निकलता है हर साल, गड्ढों को खोदा जाता है, गड्ढे बनते हैं और फिर गड्ढों को भरने के लिए महानगर पालिकाएं 150 करोड़ का टेंडर निकालती है, कॉन्ट्रेक्टर को देती है, कॉन्ट्रेक्टर वहां पर जाके छिड़क के आ जाते हैं, गड्ढे बुझ जाते हैं, फिर हल्की सी बारिश होती है, फिर गड्ढे पैदा हो जाते हैं। एक गड्ढों का खेल, गड्ढों का घोटाला, गड्ढों में कितने पैसे जाते हैं, ये सारी जनता तो समझ ही रही है। लेकिन हम आपको अब रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, आपको वह रिपोर्ट जो हमने बड़ी मशक्कत से हमारी टीम ने बनाई है, हमारी पूरी टीम ने मिलकर बनाई है कि गड्ढे सड़कों पर किस तरीके से लोगों को सजा दे रहे हैं,
और सड़क पर किसने किसको सजाए मौत दी, कौन है चश्मदीद गवाह, एक रिपोर्ट देख लेती है। रिपोर्ट देखेंगे फिर हम आगे राहुल शुक्ला से बात करेंगे, इसके बाद हम आपसे इजाजत लेंगे। रिपोर्ट देखिए थोड़ा। मुंबई के गड्ढों से बीएमसी ने कोई सबक लिया हो या नहीं, लेकिन इस गड्ढों पर मुंबई हाई कोर्ट की महाराष्ट्र सरकार को फटकार जरूर लग चुकी है। अदालत ने सरकार से सीधा सवाल पूछा है, आखिर गड्ढों की वजह से मौत का सिलसिला कब रुकेगा, क्योंकि गड्ढे अब कत्ल करने लगे हैं। सरेआम दिन दहाड़े अब गड्ढे कत्ल का कारण बनते जा रहे हैं। इंसानों के लिए भले ही अदालत होती है जहां इंसाफ के लिए बकायदा सुनवाई भी होती है, सुनवाई के बाद बकायदा जज साहब फैसला सुनाते हैं, जज साहब के फैसले पर अपील होती है, ऊपरी अदालत में फिर सुनवाई होती है, लेकिन गड्ढों की अदालत में आपकी गलती की कोई माफी नहीं होती, ना तारीख ना सुनवाई, सीधे जगह पर फैसला। हाँ, सजा रफ्तार के मुताबिक मिलती है, रफ्तार कम होने पर सजा कम है, सिर्फ हाथ पैर या बदन पर चोट की सजा। लेकिन अगर रफ्तार ज्यादा हो तो सीधे सजाए मौत मिल सकती है। सैकड़ों लोगों को अब तक ये गड्ढे सजाए मौत सुना चुके हैं। गड्ढों के इन फैसलों से अदालत भी परेशान है और सरकार भी, इसीलिए मुंबई हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई गड्ढों की तानाशाही रोकने के लिए। अदालत की फटकार मिलने के बाद थाने के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे अलर्ट मोड में आ गए हैं। मुंबई नासिक हाईवे की मरम्मत करने वाले अधिकारियों तक पहुँच गए, उन्हें फटकारा, सुधर जाओ, आप लोगों की वजह से हमें जनता की गालियां सुननी पड़ती है। बहरहाल अधिकारी सुधरेंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मुंबई के गड्ढे सुधरने को तैयार नहीं है, लिहाजा सरकार को बड़े पैमाने पर इनका इलाज करना जरूरी है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद फिर किसी और गड्ढे की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र, तब तक आप स्वस्थ रहिए। गड्ढे मी मुंबई कर स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, किससे, कोरोना से नहीं साहब, हम तो बात कर रहे हैं गड्ढों की, हम तो बात कर रहे हैं ट्रैफिक की, हम तो बात कर रहे हैं सड़कों की। राहुल जी, सजाए मौत गड्ढों के ऊपर, गड्ढे आप अगर तेज गति से चल रहे हैं तो सीधे सजाए मौत, हल्के गति से चल रहे हैं तो हाथ पैर टूटेंगे। गड्ढों के अदालत में कोई सुनवाई नहीं, लेकिन एक गड्ढों का चश्मदीद गवाह कौन है, राम शुक्ला जी बताइए, चश्मदीद गवाह कौन है? मौत का ये जिम्मेदार एक बड़ा ही सवाल है, क्योंकि अदालत ने भी जिस तरीके से इस रिपोर्ट में हमने देखा कि अदालत ने भी इसकी वजह जानने की कोशिश कर रही है। इस तरीके से मंत्री आज राज ठाकरे भी मुंबई से नासिक गए थे, उस दौरान उन्हें गड्ढों की वजह से कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी और उसके दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसकी जानकारी दी। कहीं ना कहीं इसके माध्यम से लोग जागे भी, और उसके बाद आपने देखा कि प्रशासन में थाने में जिस तरीके से मंत्री ने भी अपने डांट फटकार लगाई, फिर कोर्ट के द्वारा इस प्रकार की बातें सदन में आई, तो कहीं ना कहीं समस्या गंभीर है, हालात गंभीर है और लोग, दुर्घटनाएं हो रही हैं, मौतें हो रही हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से सवाल पूछा, इस मौत का जिम्मेदार कौन है, प्रशासन जिस तरीके से लापरवाही करती है क्या वो मौत का जिम्मेदार लेगी, जिस तरीके से भ्रष्टाचार होता है क्या वो अधिकारी इस मौत का जिम्मेदार लेंगे, ये जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बहुत गंभीर सवाल है। लेकिन सवाल पूछना जरूरी है और हम जनता से सवाल पूछेंगे कि खड्डे जो परेशानियां चल रही है उस पर क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, हमारे साथ, हमारे पास एक मैसेज आया राहुल चौधरी शुक्ला जी का, सरकार को सोचनी चाहिए, अगर ऐसा हालत रहेगा तो धन की बर्बादी होती रहेगी और कुछ नहीं। तो मैं अब यहीं से, यहीं पे इजाजत लेंगे, गड्ढों के साथ आपको छोड़ देते हैं, गड्ढों की हालत पर, गड्ढों के साथ बिल्कुल लापरवाही नहीं बरते साहब, ये गड्ढे बिल्कुल अनजान है, बुढ़े गड्ढे नाजुक भी हैं और गड्ढे बेरहम दिल भी हैं, आपकी जान भी ले सकते हैं, आपके हाथ पैर तोड़ भी सकते हैं और आपके वाहन के, आपके बाइक के, आपकी गति को रोक भी सकते हैं, उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन सरकार फिलहाल कुछ नहीं करने वाली है जब तक अदालत ने, जब तक अदालत का हथौड़ा नहीं चलेगा। अब अदालत ने संज्ञान लिया है, सरकार को फटकार लगाई है, मंत्रियों के अब तेवर देखने को मिले हैं और वो अधिकारियों पर बरसने भी लगे हैं, लेकिन यह बरसात यानी डांट की बरसात क्या मुंबई के गड्ढों को बुझा पाएगी?
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। थम गई मुंबई, खुद गई मुंबई, मुंबई खुद गई है, मुंबई की खुदाई हर जगह हो गई है, इसलिए मुंबई थम गई है। सड़कों को साफ करिए, सड़कों को क्लीन करिए, मुंबई की रफ्तार अपने आप बदल जाएगी और मुंबईकर को अब जागना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा कि मुंबई की गति को मिलकर के, सबको मिलकर के बढ़ाना है। मुंबई दौड़ेगी तो देश दौड़ेगा, अर्थव्यवस्था दौड़ेगी, मुंबई का बाजार दौड़ेगा, मुंबई की व्यापारी दौड़ेंगे, मुंबई का रोजगार दौड़ेगा और आपके घर में खुशियाँ आएंगी। खुशहाली के लिए मुंबई की ट्रैफिक को दौड़ाना पड़ेगा और उसके लिए आपको आपको जागने की जरूरत है। आप बहुत बड़ी ताकत है, आपने जनता को, आपने नेताओं को चुन के दिया है, मंत्री पद आपकी एक वोट की बदौलत उनको मिला है। आप अगर चाहेंगे तो सब कुछ बदल सकता है, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी समस्या से रूबरू होइए और अपना मैसेज हमारे पास जरूर भेजिए। आपके मैसेज को हम आम जनता के माध्यम से सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचा के रहेंगे। ये हमारी भी जिद है और आपकी मांग भी। तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और अपना कमेंट हमें जरूर भेजिए दोस्तों। इसी कमेंट से हमें ताकत मिलती है और आपकी समस्या के साथ हम खड़े होकर के आवाज बुलंद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मेट्रो मुंबई, मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। नमस्कार।